बोले विष्णु फटाफट से। जी देखिए, ये एक हिंदू जनमानस में हमेशा से एक चेतना रही है कि कृष्ण जन्मभूमि हम सबके लिए पवित्र है, हमारा इसमें टाइटल है, ओनरशिप है, तोड़ने का प्रूफ है, वहां पे खरीदने का प्रूफ है और अपने मेरिट्स के फैक्ट्स के आधार पे हमने ये केस दायर किया है। अगर आज तस्लीम रहमान अहमानी साहब यहाँ पे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं और राम जन्मभूमि जजमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं तो मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट गया हूँ अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हो सकता है कल को कोर्ट में मैं हारूं, मैं हाईकोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊं, पर अपने अपने जीवन के अंत तक मैं ये केस लड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा आपके सामने लेते हुए मैंने ये केस फाइल किया है। ये केस फाइल मैंने अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपना बायोडाटा बनाने के लिए नहीं किया। ओके सर, आपका अधिकार है। ये इस बात को तस्लीम रहमानी भी मान रहे हैं, उन्होंने इस बात पे आपत्ति नहीं की कि आप केस क्यों लड़ रहे हैं। सवाल जरूर खड़ा होगा। ठीक, एक सेकंड सर, कोर्ट जाना आपका राइट है, जरूर चाहिए। ओके रहमानी साहब, रहमानी साहब, रहमानी साहब, जो लोग मीडिया को यूज किया, मिसयूज कर रहे हैं, नुसरत कुद्दूसी, आपको लगता है कि राम जन्मभूमि के बाद ये दूसरा मामला है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले कई वर्षों तक चर्चा में रहने वाला? जी बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि जैसे ही मुद्दा खत्म होगा भाजपा दूसरा मुद्दा ले आएगी। अब ये जैन साहब ने मुकदमा किया है, ये उनका अधिकार करें बिल्कुल, लेकिन ये इसी मौके पे क्यों कर रहे हैं? पहले क्या सो रहे थे ये? तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? कब करना? जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तब इसको भी ले आए होते। अच्छा, इनको पहले करना चाह, आज क्यों जग रहे हैं ये? और दूसरी बात कि मंदिर की बात कह रहे हैं कि तमाम मंदिर मुस्लिम राज में तोड़े गए, 900 साल में मुसलमानों ने जो है मंदिरों को तोड़ा है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में मुसलमान नहीं आया था क्या मंदिर तब नहीं तोड़े गए थे? बौद्ध मंदिर तोड़े गए हैं, ये जैन साहब है, जैन साहब गवाह हैं, बोलना चाहें बोले, नहीं भाजपा का सपोर्ट करना चाहें करें, लेकिन ये हकीकत है जैन मंदिर भी तोड़े गए थे। किसने तोड़े थे, कौन थे वो लोग, ये बताएं। आज बोलते हैं कि मुसलमानों ने तोड़ दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप भाई के लिए आप सपोर्ट करिए, पीछे झाड़ू बांधने वाले कौन लोग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का फैलाने वाले कौन लोग, करते उसके लिए सपोर्ट बात कर रहे हैं। विष्णु जी वो बोल ले, बड़ी देर से सुन रहे थे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में बात पूरी कर ले, ये बोल लीजिएगा। तो कह रहे हैं इस देश में जब मुसलमान नहीं आया था तब इस देश में मंदिर तोड़े गए, बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े गए, जैन धर्म के मंदिर तोड़े गए, आज ये आ गए हैं भाजपा को सपोर्ट करने आ गए हैं। रोहित जी ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इन्होंने दोनों को रोका। मंत्री जी मोहसिन रजा साहब एक सेकंड रुकिए, जिन्ना के लोग हैं, एक सेकंड रुकिए, जिन्ना की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि हम लोग जिन्ना के हैं, ये उस लोग हैं, इन्होंने भारत को तोड़ने की साजिश की है, इन्होंने भारत को तोड़ दिया है, आज ये बात करते हैं, ये आज देशभक्त बन रहे हैं, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नुसरत कुद्दूसी, आपकी पार्टी जी जिसके आप समर्थक माने जाते हैं, जी जी, जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने कारसेवकों पे गोलियां चला दी, जी, वो तो कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रही थी, इस मुद्दे पर बात भी करने को तैयार नहीं, कम से कम बोलते तो सही। अगर दावा करते हैं हम कृष्ण जी के वंशजों की राजनीतिक पार्टी है, तो कम से कम बोलते तो खड़े हो केस पे कि किधर है। हम एक चीज पूछना चाहते हैं इनसे, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये कहते हैं हथियार। एक सेकंड रजा साहब, ये बोलने पहले हमारे पहले ये बोलने, फिर आपके पास या तो बोल लीजिए या बोलने दीजिए, मैं अभी बोलना शुरू करूंगा तो मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, आप यूपी की सरकार में मंत्री हैं, जवाब चाहिए कम से कम अपने उत्तर प्रदेश के वोटर के नाते, सुन तो सही है, उनको सुन तो लीजिए, कम से कम अच्छा ना लगे जवाब दे दीजिए, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए उनकी बात को। नुसरत कुद्दूसी जवाब दीजिए, कहां है आपकी पार्टी इस मामले में, किस तरफ है? हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये लोग हथियारा बोलते हैं, मिलिट्री वाले फोर्स के लोगों ने गोली चलाई कारसेवकों को, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, अगर वो हथियारे हैं तो मुकदमा क्यों नहीं चलाया अभी तक उनके ऊपर, क्यों नहीं ये साबित किया कि उन्होंने हत्या की कारसेवकों के लिए? इनकी सरकार है करें, और नहीं करें तो हथियारा कहना बंद करें, ये बात कहना बंद करें, उन्होंने भारत के संविधान की रक्षा की है, हम उनको सलाम करते हैं। ओके मोहसिन रजा, आप जवाब दीजिए, फिर आरा संगीत रागे आप। देखिए मोहसिन रजा,
सबसे गंदी राजनीति अगर देश में कांग्रेस के बाद किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने की, जिसने हमारे निहत्ते कार सेवकों को आस्था के लिए, वो जा रहे थे दर्शन के लिए, उन पर उनकी सरकार के द्वारा गोली चलवाई गई, हजारों की तादाद में कार सेवक मरे। इसीलिए ये किसी इस मुद्दे पर बोल नहीं सकते, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है उस दिन के बाद से, इनको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने किनारे बैठा दिया है, इसीलिए आज ये हाशिए पर पड़े हैं। और जब जब इस तरह की बातें आएंगी तब तब ये बैकफुट पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये इंसाफ की बात नहीं करते हैं, इन्होंने इंसाफ नहीं किया है कभी, ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।